हमारे समाज पर सालों से जात और धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इस भेदभाव के कारण दलित समाज में पैदा हुए लोगों को सालों तक अन्याय और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जाहिर है, ऐसे हालातों में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मी हुई एक लड़की को जन्म से ही अनगिनत कठिनाइयों से जूझना पड़ा। सिर्फ दलित समाज में जन्म लेने के कारण ही उसे अपने जीवन के हर मोड़ पर कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। 12 साल की उम्र में उसकी शादी उससे 10 साल बड़े लड़के से हुई। ससुराल मुंबई जैसे बड़े शहर में होने के कारण वो अपना छोटा गांव छोड़ के मुंबई आ गई। उसका ससुराल मुंबई के एक झोपड़पट्टी में था, पर जैसा उसने सोचा था उतना सुंदर और सुखी शादीशुदा जीवन उसके नसीब में नहीं था। ससुराल में उसके ऊपर पूरे घर का काम करने की जिम्मेदारी थी। 12 साल की उम्र में जब छोटे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, वो लड़की 10-12 लोगों को खाना बनाना और साथ ही कई सारे घरेलू काम करती थी। काम ठीक से ना करने पर ससुराल वालों से मारपीट होती थी। एक ऐसी लड़की जिसके सफर की शुरुआत ही इतनी प्रॉब्लम के साथ हुई, आज हमारे देश की मोस्ट सक्सेसफुल महिलाओं में गिनी जाती है। उस लड़की का नाम है कल्पना सरोज। कहानी थोड़ी फिल्मी है, लेकिन है 100% सच्ची। कल्पना सरोज जी का जीवन स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म को यथार्थ करता हुआ नजर आता है। कल्पना सरोज की कहानी उस दलित पिछड़े समाज के लड़की की कहानी है, जिसे जन्म से ही अनेकों कठिनाइयों से जूझना पड़ा। समाज की उपेक्षा सहनी पड़ी, बाल विवाह का आघात झेलना पड़ा, ससुराल वालों का अत्याचार सहना पड़ा, 2 रुपए रोज की नौकरी करनी पड़ी और उन्होंने एक समय खुद को खत्म करने के लिए जहर तक पी लिया। लेकिन आज वही कल्पना सरोज 500 करोड़ के बिजनेस की मालकिन है। आइए जानते हैं कल्पना सरोज के बेहद इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी के बारे में। सन 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के छोटे से गांव रोपरखेड़ा के गरीब दलित परिवार में कल्पना का जन्म हुआ। कल्पना के पिता एक पुलिस हवलदार थे और उनका वेतन मात्र 300 रुपए था, जिससे कल्पना के 2 भाई, 3 बहन, दादा दादी तथा चाचा जी के पूरे परिवार का खर्च चलता था। पुलिस हवलदार होने के नाते उनका पूरा परिवार पुलिस क्वार्टर में रहता था। कल्पना जी पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। वे पढ़ाई में होशियार थी, पर दलित होने के कारण वहाँ भी उन्हें शिक्षकों और सहपाठियों की उपेक्षा झेलनी पड़ी थी। कल्पना जी अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहती हैं, हमारे गांव में बिजली नहीं थी, कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। बचपन में स्कूल से लौटते वक्त मैं अक्सर गोबर उठाना, खेत में काम करना और लकड़ियां चुनने का काम करती थी। कल्पना जी जिस सोसाइटी से है वहाँ लड़कियों को जहर की पुड़िया की साझा दी जाती थी, इसीलिए लड़कियों की शादी जल्दी करके अपना बोझ कम करने का चलन था। जब कल्पना जी 12 साल की हुई और 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तभी समाज के दबाव में आकर उनके पिता ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी और उम्र में बड़े एक लड़के से शादी करवा दी। शादी के बाद वो मुंबई चली गई, जहां यातनाएं पहले से उनका इंतजार कर रही थी। कल्पना जी ने एक इंटरव्यू में बताया, मेरे ससुराल वाले मुझे खाना नहीं देते थे, बाल पकड़कर बेरहमी से मारते, जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते थे। कभी खाने में नमक को लेकर मार पड़ती थी तो कभी कपड़े साफ ना धुलने पर धुनाई हो जाती। ये सब सहते सहते कल्पना जी की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि जब 6 महीने बाद उनके पिता उनसे मिलने आए तो उनके दशा देखकर उन्हें गांव वापस लेकर चले गए। जब शादीशुदा लड़की मायके आ जाती है तो समाज उसे गलत ही नजर से देखता है। आस पड़ोस के लोग ताने कसते, तरह तरह की बातें बनाते। पिताजी ने दोबारा पढ़ाने की कोशिश की, पर इतना दुख देख चुकी लड़की का पढ़ाई में कहां मन लगता। हर तरफ से मायूस कल्पना को लगा कि जीना मुश्किल है और मरना आसान है। उन्होंने कहीं से खटमल मारने वाली जहर की 3 बोतलें खरीदी और चुपके से उसे लेकर अपनी बुआ के यहाँ चली गई। बुआ जब चाय बना रही थी तभी कल्पना ने 3 बोतलें एक साथ पी ली। बुआ चाय लेकर कमरे में घुसी तो उसके हाथ से कप छूटकर जमीन पर गिर गए। देखा कल्पना के मुंह से झाग निकल रहा है। अफरा तफरी में डॉक्टरों की मदद ली गई। बचना मुश्किल था, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था और उनकी जान बच गई। यहीं से कल्पना जी का जीवन बदल गया। उन्हें लगा कि जिंदगी में उन्हें एक और मौका दिया है। वो कहती है, जब मैं बच गई तो सोचा कि जब कुछ करके मरा जा सकता है तो इससे अच्छा है कि वो कुछ करके जिया जाए। और उन्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। अब वो जीवन में कुछ करना चाहती थी। इस घटना के बाद उन्होंने कई जगह नौकरी पाने की कोशिश की, पर उनकी छोटी उम्र और कम शिक्षा की वजह से कोई भी काम न मिल सका। इसीलिए उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। 16 साल की उम्र में कल्पना जी अपने चाचा के पास मुंबई आ गई। वो सिलाई का काम जानती थी, इसीलिए चाचा जी उन्हें एक कपड़े के मिल में काम दिलाने ले गए। उस दिन को याद करके कल्पना जी बताती हैं, मैं मशीन चलाना अच्छे से जानती थी, पर ना जाने क्यों मुझसे मशीन चली ही नहीं, इसीलिए मुझे धागे काटने का काम दे दिया गया, जिसके लिए मुझे रोज के 2 रुपए मिलते थे। कल्पना जी कुछ दिनों तक धागे काटने का काम किया,
पर जल्द ही उन्होंने अपना आत्मविश्वास वापस लिया और मशीन भी चलाने लगी, जिसके लिए उन्हें महीने के 225 रुपए मिलने लगे। इसी बीच किन्हीं कारणों से पिता की नौकरी छूट गई और पूरा परिवार आकर मुंबई में रहने लगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था कि तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने कल्पना जी को झकझोर कर रख दिया। उनकी बहन बहुत ही बीमार रहने लगी और इलाज के पैसे न होने के कारण एक दिन उसकी मौत हो गई। तभी कल्पना जी को एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वो है गरीबी, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो इस बीमारी को अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कल्पना ने अपने जिंदगी से गरीबी मिटाने का प्रण लिया। उन्होंने अपने छोटे से घर में ही कुछ सिलाई मशीनें लगा ली और 16-16 घंटे काम करने लगी। उनकी कड़ी मेहनत करने की ये आदत आज भी बरकरार है। सिलाई के काम से कुछ पैसे आ जाते थे पर ये काफी नहीं थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस करने का सोचा। पर बिजनेस करने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वे सरकार से लोन लेने का प्रयास करने लगी। उनके इलाके में एक आदमी था जो लोन दिलाने का काम करता था। कल्पना जी रोज सुबह 6 बजे उसके घर के सामने जाकर बैठ जाती। कई दिन बीत गए पर वो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। पर एक महीने बाद भी जब कल्पना जी ने उसके घर के चक्कर लगाने नहीं छोड़ी तो मजबूरन उसे बात करनी पड़ी। उसी आदमी से पता चला कि अगर 50,000 का लोन चाहिए तो उसमें से 10,000 इधर उधर खिलाने पड़ेंगे। कल्पना जी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी और इस तरह से समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जो लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताता था और लोन दिलाने में मदद करता था। धीरे धीरे ये संगठन काफी पॉपुलर हो गया और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने के कारण कल्पना जी की पहचान भी कई बड़े लोगों से हो गई। उन्होंने खुद भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का कर्ज लिया और 22 साल की उम्र में फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया, जिसमें उन्हें काफी सफलता मिली। और फिर कल्पना जी ने एक ब्यूटी पार्लर भी खोला। इसके बाद कल्पना जी ने स्टील फर्नीचर के एक व्यापारी से दोबारा विवाह किया, लेकिन वे 1989 में एक पुत्री और एक पुत्र का भार उन पर छोड़कर वे इस दुनिया से चले गए। एक दिन एक आदमी कल्पना जी के पास आया और उसने अपना प्लॉट 2.5 लाख का बेचने के लिए कहा। कल्पना जी ने कहा, मेरे पास 2.5 लाख नहीं है। उसने कहा, आप 1 लाख मुझे अभी दे दीजिए, बाकी का आप बाद में दे दीजिएगा। कल्पना जी ने अपनी जमा पूंजी और उधार मांगकर 1 लाख उसे दे दिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जमीन विवादास्पद है और उस पर कुछ बनाया नहीं जा सकता। उन्होंने 1.5-2 साल भाग दौड़ करके उस जमीन से जुड़े सभी मामले सुलझा दिए और 2.5 लाख की कीमत वाला वो प्लॉट रातों रात 50 लाख का बन गया। एक औरत का इतनी महंगी जमीन का मालिक बनना इलाके के गुंडों को पचा नहीं और उन्होंने कल्पना जी की हत्या की साजिश बना डाली। पर ये उनके अच्छे कर्मों का फल ही था कि हत्या से पहले किसी ने इस साजिश के बारे में उन्हें बता दिया और पुलिस की मदद से वे गुंडे पकड़े गए। इसके बाद कल्पना जी अपने पास एक लाइसेंसी गन भी रखने लगी। उनका कहना था कि मैं बाबा साहेब के इस वचन में यकीन रखती हूँ कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है 1 दिन शेर की तरह जियो। आत्महत्या के प्रयास के दौरान वो मौत को इतनी करीब से देख चुकी थी कि उनके अंदर से मरने का डर कब का खत्म हो चुका था। उन्होंने अपने दुश्मनों को साफ साफ चेतावनी दे दी, इससे पहले कि तुम मुझे मारो जान लो कि मेरे गन में 6 गोलियां हैं। 6ठी गोली खत्म होने के बाद ही कोई मुझे मार सकता है। ये मामला शांत होने के बाद उन्होंने जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने की सोची, पर उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक सिंधी बिजनेसमैन से पार्टनरशिप कर ली। उन्होंने कहा, जमीन मेरी है और बनाना आपको है। उसने मुनाफे में 65% अपना और 35% उनका। इस प्रकार से कल्पना जी ने 4.5 करोड़ रुपए कमाए। कमानी ट्यूब्स की नींव श्री एनआर कमानी द्वारा 1960 में डाली गई थी। शुरू में तो कंपनी सही चल रही थी, पर 1985 में लेबर यूनियन और मैनेजमेंट में विवाद होने के कारण में ये कंपनी बंद हो गई। 1988 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसे दोबारा शुरू किया गया, पर एक ऐतिहासिक फैसले में कंपनी का मालिकाना हक वर्कर को दे दिया गया। वर्कर्स इसे ठीक से चला नहीं पाए और कंपनी पर करोड़ों का कर्ज आता चला गया। इस स्थिति से निकलने के लिए कमानी ट्यूब्स कंपनी के वर्कर्स सन 2000 में कल्पना जी के पास गए। उन्होंने सुन रखा था कि कल्पना सरोज अगर मिट्टी को हाथ लगा देती है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। कल्पना जी ने जब जाना कि कंपनी 116 करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है और उस पर 140 लिटिगेशन के मामले हैं, तो उन्होंने उसमें हाथ डालने से मना कर दिया। पर जब उन्हें बताया गया कि इस कंपनी पर 3,500 मजदूरों और उनके परिवारों का भविष्य निर्भर करता है और बहुत से वर्कर भूखे से मर रहे हैं, तो वो इसमें हाथ डालने को तैयार हो गई। बोर्ड में आते ही उन्होंने सबसे पहले 10 लोगों की कोर टीम बनाई, जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट थे। फिर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कराई कि किसका कितना रुपया बकाया है। उसमें बैंक्स के, गवर्नमेंट के और उद्योगपतियों के पैसे थे। इस प्रक्रिया में उन्हें पता चला कि कंपनी पर जो उधार था उसमें आधे से ज्यादा का कर्ज पेनल्टी और इंटरेस्ट था।
कल्पना जी तत्कालीन वित्त मंत्री से मिले और बताया कि कमानी इंडस्ट्रीज के पास कुछ है ही नहीं, अगर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ करा देते हैं तो हम क्रेडिटर्स का मूलधन लौटा सकते हैं, अगर ऐसा ना हुआ तो कोर्ट कंपनी का लिक्विडेशन करने ही वाला है और ऐसा हुआ तो बकायादारों को एक भी रुपया नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने बैंकों को कल्पना जी के साथ मीटिंग करने के निर्देश दिए। वे कल्पना जी की बात से प्रभावित हुए और न सिर्फ पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ किए बल्कि एक लेडी एंटरप्रेन्योर द्वारा जेन्युइन एफर्ट को सराहते हुए कर्ज मूलधन से भी 25% कम कर दिया। 2000 से कंपनी के लिए संघर्ष कर रही थी और 2006 में कोर्ट ने उन्हें कमानी इंडस्ट्री का मालिक बना दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कल्पना जी को 7 साल में बैंक के लोन चुकाने के निर्देश दिए जो उन्होंने 1 साल में ही चुका दिए। कोर्ट ने उन्हें वर्कर्स के बकाया वेजेस भी 3 साल में देने को कहा जो उन्होंने 3 महीने में ही चुका दिए। इसके बाद उन्होंने कंपनी को मॉडर्नाइज करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एक सिख कंपनी से बाहर निकालकर एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। ये कल्पना सरोज जी का ही कमाल है कि आज कमानी ट्यूब्स 500 करोड़ से ज्यादा की कंपनी बन गई है। उनकी इन महान उपलब्धि के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया और कोई बैंकिंग बैकग्राउंड ना होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया। सचमुच कल्पना जी की ये कहानी कल्पना से भी परे है और हम सभी को संदेश देती है कि आज हम चाहे जैसे हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ अमीर गरीब, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी सोच से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं और अपने बड़े से बड़े सपनों को भी पूरा कर सकते हैं।